फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में जहां माँ और बच्चे की फिक्र रहती है, वही मन में यह सवाल भी आता है कि लड़का होगा या लड़की। प्रेग्नेंट होने पर माँ ही नहीं बल्कि परिवार के हर एक सदस्य को यह जानने की उत्सुकता रहती है कि गर्भ में लड़का है या लड़की। सदियों से ये उत्सुकता चली आ रही है और इस वजह से इस विषय को लेकर कई धारणाएं, कहानियां और भ्रम पैदा हो गई। आपने भी बच्चे के लिंग का पता लगाने के लिए ऐसी कई तरीके के बारे में सुना होगा जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वहीं प्रेग्नेंट महिला ने 9 महीने के दौरान कभी न कभी तो यह जरूर सुना होगा कि उनके लक्षण बेटा होने के हैं। तो चलिए जानते हैं कि प्रेगनेंसी में लड़का पैदा होने वाले संकेतों में कितनी सच्चाई है और इसका क्या वैज्ञानिक आधार है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस या मतली न होने का मतलब है लड़का होगा। फ्रेंड्स, 17-18% गर्भवती महिला को मॉर्निंग सिकनेस होती है। ये गर्भावस्था की पहली तिमाही से ज्यादा होती है, लेकिन कुछ महिलाओं को डिलीवरी तक यह समस्या रहती है। ऐसा माना जाता है कि हार्मोनल बदलाव के कारण मॉर्निंग सिकनेस होती है और इसका शिशु के लिंग से कोई संबंध नहीं है, यह साइंस का मानना है। लेकिन फ्रेंड्स, दादी नानी के जमाने से कही सुनी बातें चली आ रही हैं, जो कि यह मानती है कि अगर गर्भवती को 1-3 महीने तक अगर मॉर्निंग सिकनेस हो रहे हैं तो यह लक्षण गर्भ में लड़का होने का संकेत माना जाता है। और वहीं पहले महीने से लेकर डिलीवरी होने तक मॉर्निंग सिकनेस हो रहे हैं तो यह लक्षण गर्भ में बेटी होने का माना जाता है। अगला है हार्ट रेट। अगर आपके शिशु का हार्ट रेट प्रति मिनट 140 बीट है तो लड़का हो सकता है। अध्ययनों की माने तो पहली तिमाही में लड़के और लड़की की हार्ट रेट में कोई अंतर नहीं होता। भ्रूण की सामान्य हार्ट रेट 120 से 160 बीपीएम होती है, जो कि प्रेगनेंसी के शुरुआती चरण में 140 से 160 बीपीएम और गर्भावस्था के आखिरी चरण में 120 से 140 बीपीएम तक जा सकती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस हार्ट रेट से बच्चे के लिंग का कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर आप गर्भवती हैं और आपके प्रेगनेंसी का 3 महीना हो चुका है, अगर आप चाहती हैं कि आपके गर्भ में लड़का है या लड़की, तो आप प्रेगनेंसी के 3rd महीने में अल्ट्रासाउंड कर पता लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में लड़का है या लड़की। लेकिन फ्रेंड्स, भारत में यह जानना कानूनन अपराध है, इसलिए आप यह चेक नहीं करवा सकती हैं। लेकिन जिस देश में यह अलाउड है, वहां पर प्रेगनेंसी के 3rd महीने में गर्भ में लड़का है या लड़की चेक किया जाता है। अगला सिम्टम्स है बालों और त्वचा में बदलाव। कहते हैं कि अगर पेट में लड़का हो तो स्किन पर दाने नहीं आते, जबकि लड़की होने पर माँ की स्किन खराब हो जाती है। वहीं लड़का होने पर बाल भी घने और सुंदर रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हार्मोन के स्तर में बदलाव के कारण त्वचा और बालों में बदलाव आता है। हार्मोनल बदलाव के कारण स्किन साफ और बाल सुंदर हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में बाल झड़ना, बाल घना होना, सुंदर दिखना या चेहरे पर पिंपल आना, इसका गर्भ में लड़का होने या लड़की होने का लिंग से कोई संबंध नहीं। अगला सिम्टम्स है कुछ खाने का मन करना और कुछ न खाने का मन करना। खट्टी या नमकीन चीजें खाने की इच्छा होने का मतलब है कि गर्भ में लड़का है।